हेलो एंड वेलकम गाइस, हेज अ मनीष एंड यू वाचिंग माय स्टडी दोस्त। एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, ये है हमारा रागा का प्रैक्टिस पेपर। स्वागत करता हूँ सभी का इस प्रैक्टिस पेपर के साथ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं रागा के बारे में। हम काफ़ी प्रैक्टिस पेपर कर चुके हैं, ये 11th है। इंग्लिश में हम लगभग 23 प्रैक्टिस पेपर कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। एडमिट कार्ड भी बस अब आने वाले ही हैं, तो अब अपने तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में ही देखने को मिलेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत पैटर्न में वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको 100% देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन नंबर 21 से। तो यहाँ पे है कि दो संख्या आपको दी गई हैं। यहाँ पे आपके पास में पहली संख्या 12906, दूसरी संख्या है 14818। इसका आपको बताता है कि मैसा, यानी कि HCF। मैसा किसे बोलते हैं? HCF। तो उसका LCM क्या होगा? आपको तीन चीज़ें दे दी है, आपको दो संख्या दे दी है, उसका HCF दे दिया है, तो आपको LCM ज्ञात करना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो बता देता हूँ कि जब भी आपको ऐसा फॉर्म कंडीशन दी गई हो, तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणा है, मान लीजिए वो दोनों संख्या एक्स वाई हैं, उनका जो गुणा होता है वो किसके बराबर? LCM इंटू HCF के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों सेम होंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो बस सेम हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि 12 9 06 इंटू 14 118 इक्वल टू, आपके पास LCM इंटू HCF होगा, तो हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है, तो HCF से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 478। आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये इसे 31 टाइम कट जाएगा, सोल्व करके देख लीजिएगा। और 31 टाइम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12906 से, आपके पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर में। ठीक है, तो 40086 आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास में सही हो जाएगा इसका LCM, सोल्व करके आप खुद भी देख सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। उसके बाद है क्वेश्चन 22। दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है 10:7, उनका अंतर आपको 105 दिया गया है, उन संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है। तो देखो यार, इस क्वेश्चन को रेशियो आपको जब भी दिया गया हो ना, तो रेशियो को सोल्व करने के लिए आप ज़्यादा एक्स वाई कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप रेशियो लिख लीजिए। 10:7 आपको दिया गया। अब यहाँ पर रेशियो का डिफरेंस देखिए, 10-7 यानी कि 3 का डिफरेंस आपको मिल रहा है। ठीक है, और कहता है कि उनका अंतर कितने का? 105 का। तो रिलेट कीजिए 105 से। जब आप इसे रिलेट करेंगे तो रिलेशन आपको कितने का आएगा? इसे 3 से काटेंगे तो 3, और यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा? 5, यानी कि 35 का रिलेशन। 3 को 35 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 105 आ रहा है, तो आप इसे 35 टाइम करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, और इसे करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी। अब कहता है कि उन संख्याओं का योग करें। कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे। मैं क्या करता हूँ कि इन रेशियो को ही क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। 10+7 कितना? 17 हो गया। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 35 × 17 मल्टीप्लाई आप कर लेंगे 35 × 17, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 595, इनके ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपके पास सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद है आपका, एक विद्यार्थी को 20% अंक लेता है, इनके 20% अंकों से एग्जाम में आते हैं, तो उसे 60 अंकों से फेल हो जाता है। उसके बाद दूसरा 15% अंक लाता है, तो वो 120 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे 15% आने पे 120 अंकों से फेल हो रहा है, और 20% आने पे 60 अंकों से, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 5% का। और अंकों का डिफरेंस कितने का? 120 - 60 यानी कि 60%। कहने का मतलब है 5% अंक किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो कुल कितने अंकों का पेपर होगा? अगर 5% 60 है, तो 1% कितना हो जाएगा? 60/5। और 100% होता है पेपर में, तो 100% इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 ये 20 टाइम चला जाएगा, 20 टाइम, और 6 × 2 एन की 1200 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आपके पास ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद है, एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 12 सेकेंड लेती है, तो गाड़ी की लंबाई बताइए। तो देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, एक खंबा होता है, उस रेलगाड़ी यहाँ पे आ रही है कोई, मान लीजिए ये रेलगाड़ी इस खंबे को पार करने के लिए जितना समय लेगी वो उतना कितना लेगी? जितना इनकी 12 सेकेंड तो ले रही है, लेकिन दूरी कितनी तय करेगी? जिसकी इसकी ट्रेन की लंबाई होगी। तो यहाँ से वह ट्रेन के यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो मतलब इसने क्रॉस कर लिया, कितनी दूरी तय कर लिया उसने ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो यहाँ पे हमें ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो बस हमें दूरी निकाल लिया। कहने का मतलब दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय। चाल आपको 60 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, ऑप्शन में देखिए मीटर में दे रहा है, तो इसे मीटर में बदल देंगे तो ये 5 × 18 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर में बदल जाएगा, मीटर/सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे आपके पास में ये स्पीड हो गया, ठीक है, ये टोटल स्पीड हो गया, तो दूरी हमें निकालनी थी, चाल गुना समय। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए समय से, यानी कि 12 सेकेंड से। ठीक है, तो आप इसे सोल्व कीजिएगा, जैसे 6 से कट जाएगा
टू टाइम या थ्री टाइम, इसे थ्री से करेंगे तो ये कितना 20, और 20 और 5 इंटू 10 10, 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 200 मीटर उसकी लंबाई हो जाएगी। उसके बाद कहता है कि 15 पैसा है रुपये में वक्त कीजिए, 1 पैसा कितना होता है 1/100, तो 15 पैसा कितना हो जाएगा 15/100, तो इसे सोल्व कीजिएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 0.15, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए, इसको आपको पूरा करना है, सीरीज आपको दिया गया है 114, 225, 336, 447, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिए गए, लेकिन क्वेश्चन आपको ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे, तो यहाँ पे बस आपको उस आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअल में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस चेक करेंगे तो इसका डिफरेंस चेक कीजिए 111, उसके बाद इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो 111, इसका करेंगे तो 111, इनकी प्लस वन होता जा रहा है सभी अंकों में। तो 4 से क्या हो जाएगा 5, 5 4 से फिर 5, और 7 से 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 5 8। उसके बाद देखिए 83, 46, 20, 12, जब भी आपको ऐसी क्वेश्चन मिले, एक अक्षर बहुत ज़्यादा हो, एक अक्षर बहुत कम हो, तो समझ लीजिएगा दो सीरीज आपकी वहाँ पे चल रही है। तो दो सीरीज यहाँ पे आपके पास चल रही है, तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पे देखिए 80 से क्या हो रहा है 40, 40 से 20, तो 20 से कितना होगा 10, ये तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन कन्फर्म भी तो करना है। तो देखिए 3 से कितना हो रहा है 6, 3 इंटू 2 हो रहा है 6, तो 6 इंटू 2 कितना हो रहा है 12, यानी कि यहाँ पे तो 1/2 हो रहा है, और यहाँ पे कितना इंटू 2 हो रहा है, दो सीरीज इस प्रकार से चल रही है। तो नेक्स्ट अंक इसका किसका आना चाहिए, इसका आना चाहिए, तो यहाँ पे 10 आंसर आपका हो जाएगा, और अगर इससे आगे वाला पूछता तो 12 इंटू 2 यानी कि 24 हो जाता, ठीक है गाइज। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखिए ABCD, तो अगला आंसर तो ई आएगा, पक्की बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ZYWT, एक बार मैं चेक करता हूँ ऑप्शन में, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि किसी और ऑप्शन में आपको यहाँ पे ई नहीं दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपका वैसे ही डायरेक्टली सही हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं नीचे वाले में भी कोई नया रिलेशन मिले तो, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर आप कहें कि सर ऑप्शन नंबर बी को आप कैसे कह सकते हैं, तो देखिए ये से बी यानी कि प्लस वन क्या, बी से सी प्लस वन क्या, सी से डी प्लस वन क्या, इनके अगर 3 बार ही कंफर्म मिल रहा है कि प्लस वन प्लस वन प्लस वन हो रहा है, तो आगे भी प्लस वन ही होगा, क्योंकि अगर चेंज होता तो इन 3 में पक्का चेंजेज हो जाता। नीचे कुछ गड़बड़ घोटाला है जो आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ऑप्शन में आपको इस प्रकार से दे दिया है, तो आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, ABZBCYCDX, यानी कि कहने का मतलब ए से बी होगा, बी से सी हो गया, तो अगला क्या होगा डी होगा, ठीक है। उसके बाद बी से सी, सी से डी, तो डी से क्या होगा ई होगा। उसके बाद देखिए जेड से वाई, इनकी माइनस वन हो रहा है इस बार, जेड से वाई, वाई से एक्स, एक्स से कितना होगा डब्ल्यू, यानी कि डी ई डब्ल्यू, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी में है डी ई डब्ल्यू, तो ये हो गया आपका आंसर, सही हो जाएगा, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, जिस प्रकार व्यायाम संबंधित है स्थूलता से, उस प्रकार जल संबंधित किससे होगा। तो देखिए इस प्रकार जल जो आपका संबंधित होगा वो होगा प्यास से, यानी कि प्यास क्या होती है जल से बुझती है, और जो उसके जिम करने से यानी कि व्यायाम करने से क्या होता है स्थूलता आती है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ओके नेक्स्ट है कि जिस प्रकार सत्यवादी और संबंधित है मिथ्यावादी, यानी कि सच बोलने वाला झूठ बोलने वाला, तो उसी प्रकार निष्ठावान क्या हो जाएगा विश्वासघाती, जिस पे मतलब विश्वास किया जा सके वो क्या हो जाएगा निष्ठावान, और जिस पे विश्वास ना किया जा सके विश्वासघाती, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे कहता है कि नीचे शब्दों में 4 युग्म दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको डिफरेंट पता करना है कि चारों में एक रिलेशन सही बैठेगा बाकी एक गलत बैठेगा, तो वो गलत कौन सा है। तो देखिए सेना का जनरल होता है, टीम का कप्तान होता है, ठीक है, शिशु सदन का शिशु, और बैठक का अध्यक्ष होता है। तो आप इसको छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, और इनमें देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, ओहदा बात कर रहा है, क्योंकि सेना में एक जनरल का ओहदा होता है, टीम में कप्तान का एक अलग ओहदा होता है, बैठक में एक अध्यक्ष की बात अलग मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बात हो रही है कि शिशु सदन में शिशु, यहाँ पे कह रहा है कि शिशु सदन में शिशु रहते हैं, तो यहाँ पे कोई अध्यक्ष या कोई अलग से किसी को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 संख्या, इन चारों में से आपको डिफरेंट का पता लगाना है। तो देखिए पहली तो मैं सोचूँ अगर कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 7 डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है आपका, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर 7 से अगर 2 संख्या डिवाइड होती, ये ना होता, तो हम सोच सकते थे कि ऐसा कोई रिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन ये सारे क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, ये 89
81 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर 81 अंडर रूट इसका स्क्वायर हो रहा है, लेकिन ये 14 का तो हो रहा है, तो इसका भी अंडर रूट करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी नहीं आएगा आंसर, लेकिन यहाँ पे ये सही है कि ये 7 से 3 डिवाइडेबल है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पे आपको 3 समूह दिए गए हैं, इन समूह में से भी आपको डिफरेंस पता करना है। देखिए एस एन, एस आपका 19 पे होता है, एन आपका 14 होता है, इसका डिफरेंस है करिए 19 माइनस 14 आपके पास में हो जाएगा 5 का। जी आपका 7 पे होता है, बी 2 पे होता है, 7 माइनस 2 5 का रिलेशन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद के आपका होता है 11 पे, एफ आपका होता है 6 पे, तो 11 माइनस 6 भी 5 होता है, ठीक है। एच आपका होता है 8 पे, डी आपका 4 पे होता है, तो 8 माइनस 4 4 आ रहा है, यानी कि ये डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपको कि इसका नीचे दिए गए पैटर्न का सही पता लगाना है आपको, इसके आगे कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे बीच में आपको बताना है। तो चलिए भाई सोल्व करते हैं। तो देखिए 0 7 26 30 63 215, ऐसा आपको जब भी दिखे तो आपको एक बात का पता लग जरूर लगा लेना। सीरीज में कई बार क्या होता है कि हमें क्या करता है, क्यूब या स्क्वायर करता है, लेकिन उसके आसपास क्या करता है, +1 या +-1 या +2 कुछ ऐसा कर देता है, तो हमें एग्जैक्ट क्यूब या स्क्वायर नहीं दिख पाता है। ऐसा ही कुछ इस क्वेश्चन में भी हो रहा है। ये 0 को आप इग्नोर कीजिए 1 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 आपको दे रखा है, अगर मैं 2 की क्यूब करता हूँ तो 8 आता है, और -1 करता हूँ तो 7 आ जाता है, लेकिन 7 आपको डायरेक्टली इस बात का पता नहीं चलता था। इसे कंफर्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 है, उसके बाद मैं 3 पे जाता हूँ, 3 का क्यूब करता हूँ मैं, 27 होता है, ठीक है, 27 माइनस 1 करता हूँ 26 होता है। अब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा कि हाँ भाई ऐसी बात हो सकती है, इसे और कंफर्म करने के लिए 63 यानी कि 2 का हो गया 3 हो गया, 4 का क्यूब मैं करता हूँ 64 हो जाता है, -1 करता हूँ 63, इनकी ये 100% श्योर हो गया कि ऐसा ही कुछ चल रहा है, तो 4 तक हो गया। अब आगे 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब 125, -1 करेंगे 124, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, और आप इसे कंफर्म कर सकते हैं 6 के साथ। 6 का आप क्यूब करेंगे 216 होता है, -1 करेंगे 215 आता है, यही आपका आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये कुछ नया सीखने को मिला होगा, ऐसे सीरीज बहुत कम मिलते हैं जो रेयर केस में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे आपको काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मुझे भी कोई टाइम लगा इसे समझने में, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली समझाया तो आपको थोड़ा ईजी लग सकता है। उसके बाद देखिए कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, कंगारू बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को हम बोलते हैं अक्सर, वैसे कंगारू उसका देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद देखिए महाभारत के रचयिता कौन थे, तो महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल, तो जो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे वो थे SHJ मानेकशॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, SHJ मानेकशॉ, ठीक है। तो उसके बाद है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री निम्न में से कौन सी थी, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो वो थी सुचेता कृपलानी, ठीक है, जिसका जन्म हुआ था 25 जून 1908 को और 1 दिसंबर 1974 को इनकी मृत्यु हुई थी, और ये क्या थी, यूपी की क्या थी, सीएम थी 1963 से 1967 तक। तो ये इसके बारे में जानकारी हमने हासिल कर ली, सुचेता कृपलानी, ठीक है, यूपी की सीएम बनी थी 1963 में 1967 तक थी। तो यहाँ पे अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारतीय सिनेमा में क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, सिनेमा में जो दिया जाता है वो होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है भारत में डाक सूचकांक कितने अंक होता है, तो डाक सूचकांक मतलब पिन कोड, आपका पिन कोड कितने नंबर का होता है, 6 नंबर का होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है आपका निम्न में से किस शहर में भूमिगत रेल सेवा है, तो दिल्ली मेट्रो रेल सेवा जो आपकी है अंडरग्राउंड चलती है, कोलकाता मेट्रो रेल सेवा भी आपकी अंडरग्राउंड चलती है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, चेन्नई में अभी मेट्रो नहीं है, ओके, और होगी तो अंडरग्राउंड नहीं चलता। उसके बाद है किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका मंगल, मार्स जो होता है उसकी जो मिट्टी होती है लाल कलर की होती है, तो उसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है ओटावा राजधानी है, तो ओटावा कनाडा की राजधानी है, ओके गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको क्लास में कुछ डिफरेंस क्वेश्चन बताना है कि इसे संबंधित आकृति कौन सी होगी, अगर इससे ये बन सकता है तो इससे कौन सी आकृति बनने वाली है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए एक षटकोण था जिसकी 6 भुजा होती हैं, और यहाँ पे एक क्या बना रहा है आपके पास, रेक्टेंगल जिसकी कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं,
बाकी इस पे ये जो गोला है इसको क्या कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया, इस प्रकार से था इस प्रकार से बना दिया। ठीक है, तो यही डिफरेंस हम यहाँ पे देख रहा है, पांच, यानी कि पंचकोण आपके पास है तो ये क्या होगा, ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल आपके पास में सिर्फ एक ही है तो वैसे तो आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये इस तरफ था तो ये इस तरफ हो गया, ये पॉइंट इस तरफ आ गया, इसमें इस तरफ था, वैसा ही कुछ इसमें हो रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद भी ऐसे बताना कि अगर इससे ये बन सकता है तो इससे कौन सा बनेगा। कहने का मतलब यहाँ पे एक सिग्नल इस प्रकार से था, इसका जस्ट उल्टा और डबल हो रहा है, अगर दो सिग्नल इस प्रकार से हैं तो इसका जस्ट उल्टा इस प्रकार से और डबल होंगे, तो ये कैसी आकृति बन रही है, ऑप्शन नंबर सी में बन रही है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद चलते हैं, अब यहाँ पे आपको इसमें चार में से कुछ डिफरेंट पता करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 1, 2 और ये 4, ये चारों एक जैसी ही आकृति, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 लाइन खींची गई है। ठीक है, 3 लाइन खींची गई है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ओके गाइज, उसके बाद 49, इसमें आपको पास देखिए 1, 2, 3 पार्ट बन रहे हैं, 1, 2, 3 पार्ट बन रहे हैं, 1, 2, 3 पार्ट बन रहे हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पार्ट बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस पे देखिए ये राउंड है, 2 बार खींचा गया है, ये आपके पास में क्या है, स्क्वायर है, इस पे भी 2 बार स्क्वायर बनाया गया है, रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, ये आपके पास सर्कल है, इस पे 3 सर्कल बनाए गए हैं, तो अगर 3 बनाए गए हैं तो ये डिफरेंट है क्योंकि इनमें सब में दो दो बार बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो गाइस, हमने कर लिया है आज का भी प्रैक्टिस पेपर, पूरे 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप सभी को पता ही होगा, माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करना है, जो भी आपकी समस्या हो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, ताकि ये वीडियो सब लोगों तक पहुंच सके, यूट्यूब इसे और आगे लोगों तक पहुंचाएगा अगर आप लाइक करेंगे तो, और शेयर करेंगे तो आप अपने तरीके से भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना। ठीक है गाइस, सी यू सोन।